देखिए साथियों, मार्केट में अब एग्रेसिव बाइंग कब होगा, मार्केट में एक बड़ा मूव कब आएगा, जब इसका प्राइस 180 नहीं 190 हो जाएगा। ओके, 190 जब होगा तब इसका प्राइस में एग्रेसिव बाइंग आएगा। तो हम लोग चलो वेट करते हैं 190 के ऊपर। जैसे 190 होता उसके बाद देखना हम लोग अपनी एंट्री होगी, और 190 के ऊपर अपनी एंट्री रहेगी, और बाकी फिर देखना कि मार्केट में किस हिसाब से मार्केट मूव करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 190, इंतज़ार करते हैं कि 190 कब होता है और कैसे अपने को एंट्री मिलता है। ठीक है, तो चलो अभी काफ़ी टाइम है और क्योंकि एक्सपायरी है तो काफ़ी जल्दी मूव होता है, तो देखते हैं अगर एक दो कैंडल ही शूट करेगा, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होगा, मार्केट में दम होगा, अगर पुट में सेलर में दम होगा, तो मार्केट बहुत जल्दी ये जो है इस लेवल को आपको ब्रेक करते हुए दिखेगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग वेट करेंगे, जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक हम लोग पुट में एंट्री नहीं बनाएंगे। साथियों देख सकते हैं कि अभी मार्केट में स्ट्रेंथ तो दिख रहा है, यहाँ पर जितने भी पुट लोग हैं, जो भी सेलर लोग हैं, उसमें दम तो दिख रहा है, बट देखते हैं एंट्री कब मिलता है अपने को। जैसे एंट्री मिलता है उसके बाद देखना मार्केट में कितना बड़ा स्ट्रेंथ आपको एक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो वेट करते हैं 85, थोड़ा सा और अगर मार्केट मूव करेगा तो अपने को एंट्री हो जाएगा। 90 के ऊपर अपनी एंट्री है, 190। ओके, 190 पे एंट्री है, उससे पहले एंट्री नहीं हो सकता, तो वेट करो 190 के ऊपर, तो फिर देखो कितना बढ़िया है मार्केट में आपको मूव देखने को मिलेगा। चलो वेट करते हैं थोड़ा सा और, अभी टाइम है, अभी तक एंट्री नहीं मिला है, वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा सेलर यहाँ पे हावी होते हुए दिख रहा है, तो चलो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, देखते हैं प्राइस में क्या हो रहा है। चलिए साथियों, अपनी को एंट्री तो दे दिया, डायरेक्ट एंट्री मिलने के बाद देखो मार्केट में थोड़ा सा काफ़ी तगड़ा स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे हम लोगों को वेट करना है और देखते हैं क्या होता है, किस हिसाब से मार्केट मूव करता है। अपने को यहाँ पे 10 पॉइंट एकदम चुटकी में, मतलब क्विक 10 पॉइंट मिल रहा है, 11 पॉइंट। चलो हम लोग वेट कर लेते हैं और देखते हैं जैसे इस लेवल का ब्रेक होगा, अगर ये कैंडल हाई उसको ब्रेक किया हुआ है, तो चलो हम लोग थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या स्ट्रेंथ हो रहा है। तो एंट्री दे करके मार्केट अभी थोड़ा सा मूवमेंट है डाउन साइड में, बट एक्सपायरी है, एक्सपायरी का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट में तो स्टॉप लॉस लंबा बन जाएगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस, अभी तक तो फिलहाल स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं उसके बाद इसके ऊपर स्टॉप लॉस अपना ले आएंगे, अगर मार्केट इसके कैंडल को हाई को ब्रेक करता है तो। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते और देखते हैं, 5 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस अपना जा रहा है, 6 पॉइंट का। ठीक है, 8 पॉइंट के आसपास क्या है अभी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है, अच्छी जगह पे एंट्री है, कोई टेंशन नहीं है, मार्केट में स्ट्रेंथ हमने को दिख रहा है, तो चलो वेट करते हैं और ये कैंडल को क्लोजिंग होने देते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाएगा।